हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के साथ सीएमसी और जीएमएस पाउडर को लेकर के एक बहुत ही यूजफुल और जानकारी से भरा वीडियो लाई हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत से लोगों को, खास करके बिगिनर्स को ये नहीं पता होता कि ये दोनों पाउडर क्या चीज़ें हैं, कहाँ मिलती हैं और इनका कुकिंग और बेकिंग में क्या यूज़ है। और नॉलेज ना होने के कारण वो अक्सर इन चीज़ों को, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बेहतरीन यूज़ नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों को इन पाउडर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, अगर वो इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो पहले तो वो काफी सरप्राइज होंगे और इनसे रिलेटेड उनके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और कुकिंग और बेकिंग में उनकी काफी हेल्प होगी। तो बहुत ही खास वीडियो है फ्रेंड्स, पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों पाउडर्स के पैकेट मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। एक है जीएमएस पाउडर और दूसरा है सीएमसी पाउडर। मेरे पास ये दोनों पैकेट्स बटरफ्लाई ब्रांड के हैं। बटरफ्लाई ब्रांड के कई कलर्स भी आते हैं, प्रीमिक्सेस भी आते हैं, काफ़ी अच्छे इसके प्रोडक्ट हैं। लेकिन आपके आसपास जिस भी ब्रांड का ये पाउडर मिले, आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दोनों पाउडर हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों का यूज़ फ्रोजन डेजर्ट्स में ज़्यादा होता है, खास तौर पर आइसक्रीम्स में। बेकिंग इंडस्ट्री में ये स्टेबलाइजर और एमल्सीफायर का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स, ये एमल्सीफायर और स्टेबलाइजर क्या टर्म है, इनका क्या यूज़ होता है? तो अभी मैं डिटेल में एक एक करके आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम सीएमसी पाउडर को ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सीएमसी पाउडर होता है, इसका पूरा नाम होता है सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। इसे प्लांट किंगडम से लिया जाता है, यानी कि इसका जो बेस है वो वनस्पति जगत है। तो इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं है, ये पूरी तरीके से वेज प्रोडक्ट है। इसका यूज़ फ्रेंड्स ज़्यादातर फ्रोजन डेजर्ट्स, फ्रूट ड्रेसिंग्स और आइसक्रीम्स को स्टेबलाइज करने के लिए काम में लाया जाता है। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स, स्टेबलाइज क्या होता है, ये स्टेबलाइजर क्या होते हैं? तो यहाँ मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए आप जलजीरा का कोई पाउडर है, उसे पानी के ग्लास में घोल रहे हैं, तो जब आप उसे चम्मच से मिलाएंगे तो कुछ देर तो वो जलजीरा पानी में घुला रहेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जलजीरा जो है, उसके कण जो हैं, वो पानी के नीचे बैठ जाएंगे। तो अगर हम उसमें कोई ऐसी चीज़ या ऐसा पाउडर मिला दें जिससे कि वो बिल्कुल उसी स्टेज में रहे, यानी कि बिल्कुल घुला ही रहे, तो उन चीज़ों को हम स्टेबलाइजर कहते हैं। यानी कि जिस भी अवस्था में हम अपनी खाने की चीज़ों को छोड़ें, वो वैसी ही रहें। सीएमसी पाउडर फ्रेंड्स जो होता है, ये हाइड्रोकोलाइड होता है, यानी कि अगर हम इसे पानी में मिलाएंगे तो ये जेल बन जाएगा। इसका यूज़ फ्रेंड्स बहुत थोड़ा होता है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में जो ये पैकेट है, ये 25 ग्राम्स का है और मुझे 48 रुपीज़ में मिला है। आप हमेशा इसकी डेट ऑफ एक्सपायरी चेक करके ही लें। अब बात आती है इसका यूज़ हमारे घर की कुकिंग और बेकिंग में कहाँ यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो इसका मेन यूज़ आइसक्रीम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। इसे आइसक्रीम प्रीमिक्सेस में डाला जाता है। घर में अगर आप आइसक्रीम बनाएं, तो इसका अगर आप 1 लीटर में केवल 1/4 चम्मच डाल दें, तो आपकी जो आइसक्रीम है वो काफ़ी फ्रॉथी बनेगी, उसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन यानी कि बर्फ बिल्कुल भी नहीं जमेगी और वो स्टेबलाइज रहेगी, यानी कि जल्दी से मेल्ट भी नहीं होगी। और इसी के साथ आपकी जो आइसक्रीम बनेगी वो काफ़ी क्रीमी होगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। फ्रेंड्स, बेकिंग इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो सीएमसी पाउडर को अपने केक प्रीमिक्सेस, आइसक्रीम प्रीमिक्सेस, व्हिप्ड क्रीम के पाउडर में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि उनका जो प्रोडक्ट होता है उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और जो प्रोडक्ट हम उनसे बनाते हैं, उनके जो टेक्सचर होते हैं वो काफ़ी इम्प्रूव्ड होते हैं। फ्रेंड्स, आपने केक डेकोरेशन में फोंडेंट के केक्स देखे होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि जो फोंडेंट से डिज़ाइंस या जो चीज़ें बनाई होती हैं वो काफ़ी स्टिफ होती हैं, यानी कि छूने से वो जल्दी से नहीं मुड़ती, वो थोड़ी कड़क होती हैं। तो जो कड़कपन उनमें लाया जाता है, उसे टाइलोस पाउडर को डाल करके लाया जाता है। आपने एडिबल लेसेस देखी होंगी केक्स के ऊपर, उसके अंदर भी टाइलोस पाउडर को मिक्स किया जाता है। लेकिन अगर आपके घर में टाइलोस पाउडर ना हो, तब आप उसकी जगह पर ये सीएमसी पाउडर यूज़ कर सकते हैं। सीएमसी पाउडर एक तरीके का टाइलोस पाउडर का सब्स्टिट्यूट माना जाता है। तो जब आप इसे अपने फोंडेंट में मिक्स कर देंगे, तो ये उसको उसी स्टेज में फिक्स कर देगा। और फ्रेंड्स, इस पाउडर का सबसे ज़्यादा खास यूज़ होता है व्हिप क्रीम के अंदर। अगर आप अपनी व्हिप क्रीम में इसकी 2 चुटकी ऐड कर देंगे, तो आपकी क्रीम एकदम स्टिफ पीक्स वाली रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी, मेल्ट नहीं होगी। मैं जल्द ही इसका भी वीडियो अपने चैनल पर लाने वाली हूँ, आप उसे जरूर देखिएगा। जिन लोगों की क्रीम मेल्ट होती है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए इसे खोल करके देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे निकाल लिया है। ये एकदम पाउडर फॉर्म में है, जैसे कि मैदा होता है।
इसे अगर आप चखेंगे फ्रेंड्स तो ये बिल्कुल थोड़ा सा नमकीन आपको लगेगा, थोड़ा चिपचिपा सा। ये देखिए बिल्कुल आराम से गिर रहा है, पाउडर फॉर्म में है। इस तरीके से मैं अभी आपको इसे हाथ में लेकर के दिखाती हूँ इसका टेक्सचर। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सॉफ्ट है, अगर आप इसे छुएंगे जैसा मैदा होता है ना, बिल्कुल आटा होता है, बिल्कुल वैसा ही ये पाउडर है। और जैसा मैंने फ्रेंड्स आपको पहले बताया, ये एक तरीके का सेल्युलोज गम है, स्टेबलाइजर है, तो इसका यूज़ फ्रूट्स ड्रेसिंग में भी होता है। इसको पानी में घोल करके अगर फ्रूट्स के ऊपर डाल दें तो फ्रूट्स बिल्कुल उसी स्टेज में रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, काले भी नहीं पड़ते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स सीएमसी पाउडर। चलिए अब जान लेते हैं जीएमएस पाउडर के बारे में। तो फ्रेंड्स ये जो जीएमएस पाउडर होता है इसका पूरा नाम होता है ग्लाइसराइल मोनोस्टियरेट, और ये एक तरीके का इमल्सीफायर है। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स इमल्सीफायर क्या होता है, तो फ्रेंड्स जब दो ना मिलने वाली चीजों को कोई चीज डाल करके मिलाया जाए उसी को इमल्सीफायर कहते हैं। जैसे कि अगर आप पानी और तेल की कुछ बूंदों को मिक्स करें तो वो आपस में मिक्स नहीं होंगी, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला दी जाए जैसे कि पानी और तेल आपस में घुल जाएं, बस उसी को इमल्सीफायर कहते हैं, जो कि जीएमएस पाउडर काम करता है। फ्रेंड्स जीएमएस पाउडर को ऑयल और ग्लिसरॉल के रिएक्शन से बनाया जाता है। तो जब वेजिटेबल ऑयल और ग्लिसरॉल का रिएक्शन करते हैं तब हमारा ये वेज जीएमएस पाउडर बनता है, और जब एनिमल फैट ऑयल को ग्लिसरॉल के संग मिला करके जीएमएस पाउडर बनाया जाता है तो वो नॉन वेजिटेरियन होता है। तो जो स्पेशल वेजिटेरियन लोग हैं वो ध्यान रखें इसे परचेस करते टाइम ये ग्रीन कलर का मार्क हो तभी आप इसे खरीदें, क्योंकि ये वेज और नॉन वेज दोनों में आता है। फ्रेंड्स ये जो जीएमएस पाउडर है इसको एंटी केकिंग में भी यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर आप कोई बैटर बना रहे हैं और उसमें गुठलियाँ बनती हैं तो ये गुठली बनने से उसमें रोकता है। अगर आप घर में कुकीज़ या बिस्किट बना रहे हैं और उसमें क्रैक्स आ जाते हैं साइड में, और अगर आप उसमें जीएमएस पाउडर डाल दें तो वो क्रैक्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। घरों में आइसक्रीम्स में फ्रेंड्स इसका यूज़ किया जाता है, इसको डालने से आइसक्रीम काफ़ी क्रीमी बनती है, सॉफ्ट टेक्सचर वाली बनती है और मेल्ट भी नहीं होती है। एक लीटर दूध में अगर आप आइसक्रीम बनाएं तो इसके दो चम्मच उसमें डाल दीजिएगा, बहुत अच्छी आइसक्रीम बनेगी। वहीं सीएमसी पाउडर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तब आपको एक लीटर में केवल एक चौथाई चम्मच ही डालना होगा। तो जीएमएस पाउडर का यूज़ फ्रेंड्स ज़्यादा होता है बजाय सीएमएस पाउडर के। फ्रेंड्स इस जीएमएस पाउडर से आइसक्रीम काफ़ी अच्छी बनती है, बहुत ही क्रीमी बनती है, उसका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। और साथ ही फ्रेंड्स इसे आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप अपने केक बनाने में यूज़ कीजिएगा, आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ करके आएगा और उसका टेक्सचर भी काफ़ी इम्प्रूव होगा। मैं जल्दी एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ जहाँ पर मैं जीएमएस पाउडर को यूज़ करके आपको केक बनाना सिखाऊंगी। साथ ही फ्रेंड्स इसका यूज़ ब्रेड बनाने में, पाव बनाने में, बंस बनाने में या फिर लोफ बनाने में भी होता है। इसको डालने से जो एंड प्रोडक्ट निकल के आता है फ्रेंड्स उसका वॉल्यूम काफ़ी बढ़ा हुआ होता है, तो कम चीज़ लगा करके भी हमें काफ़ी ज़्यादा एंड प्रोडक्ट मिलता है। साथ ही फ्रेंड्स ये एंटी केकिंग को भी रोकता है, यानी कि जो चीज़ों में क्रैक्स आ जाते हैं कुकीज़ और बिस्किट्स वगैरह में उनको भी ये रोकता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में फ्रेंड्स ये केक प्रीमिक्सेस, आइसक्रीम प्रीमिक्सेस, व्हिप्ड क्रीम पाउडर में भी यूज़ किया जाता है, जिससे कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। साथ ही जो उनका एंड प्रोडक्ट होता है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। घर में जब भी आप कभी केक प्रीमिक्स बनाए फ्रेंड्स उसमें आप जीएमएस पाउडर को डाल दीजिएगा, आपका प्रीमिक्स काफ़ी लंबे समय तक ठीक रहेगा। अगर आपको कहीं फ्रेंड्स दूर ट्रैवल करना है और आपका केक आप चाहते हैं ज़्यादा दिन तक चले, वो ख़राब ना हो, तो जहाँ आपका केक चार दिन में ख़राब हो जाएगा अगर आप जीएमएस पाउडर को यूज़ करके केक बनाएंगे तो आपका 5 से 7 दिन भी केक ख़राब नहीं होगा, सॉफ्ट बना रहेगा। यानी कि एक तरीके से जीएमएस पाउडर हमारे प्रोडक्ट में फ्रेशनेस देता है, उसे लंबे समय तक अच्छा रखता है। न्यूट्रिशियस वैल्यू में देखें तो फ्रेंड्स जीएमएस में काफ़ी अच्छी न्यूट्रिशियस वैल्यू होती है, ये बिल्कुल नॉन टॉक्सिक है, इससे खाने से सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कदार ही हम इनका यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स आप इन्हें आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। आप जब भी कोई फूड प्रोडक्ट खरीदें और उसके ऊपर 471 नंबर लिखा हो तो आप समझ जाइएगा उसके अंदर जीएमएस पाउडर मिक्स है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसे खोल करके मैं इसके अंदर का आपको टेक्सचर दिखाती हूँ। तो इस तरीके का फ्रेंड्स ये जीएमएस पाउडर होता है, ये 25 ग्राम्स का मुझे 38 रुपीज़ में मार्केट में मिला, और जब मैंने इसे निकाला फ्रेंड्स तो ये कुछ हल्का सा दरदरा सा निकला। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है फ्रेंड्स, मेरे वाला हल्का सा दरदरा है, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। खाने में अगर देखें फ्रेंड्स तो ये कुछ मीठा सा मुझे लगा, पाउडर जैसा। ये देखिए थोड़ा सा ये फ्रेंड्स स्टिकी है, जैसा कि सीएमसी पाउडर फ्लोइंग था ये उतना फ्लोइंग नहीं है। ये देखिए मैं हाथ में लेकर के आपको इसको दिखाती हूँ, हाथ में लेने से ये थोड़ा सा चिकना सा है फ्रेंड्स, ये देखिए
तो फ्रेंड्स, आप जब भी मार्केट जाएं जीएमएस पाउडर को तो जरूर लेकर आएं। इसको लेकर के आप अपने केक में डाल करके केक बना करके देखिएगा, आपका केक बहुत ही स्पॉन्जी सॉफ्ट बनेगा। मैंने अपने चैनल पर फ्रेंड्स केक जेल को डाल करके केक बनाना सिखाया था, लेकिन अगर आपको केक जेल नहीं मिल पाता तो आप जीएमएस पाउडर को खरीद करके उसे केक बना सकते हैं। उसका वीडियो मैं डिटेल में आपके साथ जल्द ही शेयर करूंगी। तो आई होप फ्रेंड्स सीएमसी और जीएमएस पाउडर को अब आप अच्छे से जान गए होंगे। जीएमएस पाउडर का यूज़ आप अपने केक के स्पॉन्ज बनाने में कर सकते हैं, साथ ही केक प्रीमिक्स में भी इसको डाल करके उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से सीएमसी पाउडर को आप अपनी आइसक्रीम बनाने में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इसकी दो चुटकी व्हिप्ड क्रीम में ऐड कर दें तो उसमें स्टिफ पिक्स बनी रहेंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगी, जिन व्यूअर्स को ये केक जेल मार्केट में नहीं मिल पा रहा था या इसका यूज़ उन्हें अच्छे से नहीं आ पा रहा था, वैसे तो इसके डिटेल वीडियो में लाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपको ये नहीं मिलता है तब आप इसकी जगह पर जीएमएस पाउडर को डाल करके अपने केक के स्पॉन्ज को सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना सकते हैं। आशा करती हूँ फ्रेंड्स सीएमसी और जीएमएस पाउडर से रिलेटेड ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।